नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर और आपके साथ हूं मैं काविंद्र चौहान। चलिए वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड का, तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। आज आम आदमी पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल श्रीनगर पहुंचे, जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया और रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। स्थानीय गोला पार्क में जनता को संबोधित करते हुए रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को एक डूबता हुआ जहाज बनाकर रख दिया है, इस डूबते हुए जहाज को आपकी आवश्यकता है। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। श्रीनगर में कोई मंत्री रहो या श्रीनगर से कोई विधायक रहो या श्रीनगर के पुराने कोई कांग्रेस के अगर आज सीनियर मोस्ट बन रखे हों, उससे ना फ़र्क नहीं पड़ता है। बात है कि जनता क्या लेके चल रही है और जनता की आवाज़ के सामने तो कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आती। आज जनता ये देख रही है कि क्योंकि हम लोग हताश हैं तो हमें वाकई में विकल्प देखने की ज़रूरत है, और विकल्प के तौर पर जब जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उन सारे मॉडलों को कामयाब बनाया है जो कि आज उत्तराखंड की ज़रूरत है। वही दर्शकों, बाजपुर में कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गदरपुर तहसील के कई कस्बे में जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैनीताल के पूर्व विधायक के काफिले पर साजिशन हुए हमले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिनेशपुर में जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। साथ ही सुभाष चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर आक्रोश जताया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सुनियोजित साजिश के तहत यशपाल आर्य पर हमला हुआ है। अरविंद पांडे जी का, धामी जी का, बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया गया है। कल हमारे माननीय यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य जी पे बाजपुर में जानलेवा हमला किया गया है। बीजेपी के मंत्री के संरक्षण में कुछ गुंडा जो लोकतंत्र का गला घोटना चाहता है और उन पे जानलेवा हमला किया गया। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, इनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो आज पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस लोग, कांग्रेसी जितने हैं और आम जनता, आम नागरिक, बीजेपी के पुतला फूंका जा रहा है। कल जो जानलेवा अटैक हुआ आर्य जी के ऊपर और आर्य जी के बेटे के ऊपर, वो बहुत ही सम्मानीय घटना है, दुखद घटना है। ऐसे सज्जन व्यक्ति के लिए इस तरह का व्यवहार करना बहुत ही खराब व्यवहार है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र की 25 एकड़ श्रमिक कॉलोनी में पूर्वांचल महासभा के तत्वाधान में आयोजित विशाल जनसभा में पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने चौहान का खुला समर्थन करते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। इस मौके पर लोगों ने पवन चौहान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बीजेपी आलाकमान से मांग की है कि कद्दावर नेता पवन चौहान को ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट दिया जाए, तभी बीजेपी की जीत निश्चित है। देखिए, संदेश ये है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले हैं। राष्ट्रीय दल का और सबकी ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए मरने को तैयार है, तो इसलिए सब लोग चाहते हैं कि पवन चौहान हमारे बीच का व्यक्ति है, कार्यकर्ता है, और पवन चौहान हमारे बीच में मजबूती से कार्य करें, यही सबका मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से एकजुट रहे हैं ये सब लोग। मैंने एक निवेदन हमेशा जब इनसे करता हूँ कि भाई मेरे बात रख लो, मेरा थोड़ा मान सम्मान रख लीजिए और मेरे कहने से ये वोट दे देते हैं तो आगे भी एकजुट रहेंगे। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए सब लोग हमेशा से आए हैं। देखिए, हम लोगों के बीच में बराबर लड़ने भिड़ने और पूर्वांचल के लोगों को देखने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम सब इनके साथ जितने पूर्वांचल के लोग हैं, हमको अपना मुखिया बनाए, इन्होंने हमारे पूर्वांचल महासभा का संरक्षक हैं,
हम लोग इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया। सितारगंज के नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के अमरिया चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोनू माटा ने कहा कि संविधान निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर ने अहम योगदान निभाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर को अपने शुरुआती जीवन में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने तभी ठान लिया था कि वो समाज को इस कुरीति से मुक्ति दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश के अंबेडकर चौक रेलवे रोड पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विधानसभा अध्यक्ष ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को याद करते हुए कहा है कि उनके विचार और आदर्श करोड़ों लोगों को लगातार प्रेरणा देते हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए जो भी सपने देखे हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज महानिर्वाण दिवस है, मैं उनके श्री चरणों में सशस्त्र नमन कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनको नमन करने के लिए उपस्थित है और यही नहीं पूरे विश्व भर में हमारे तमाम लोग आज उनको नमन कर रहे हैं। संविधान निर्माता है, भारत रत्न प्राप्त है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कल उस संसद के सेंट्रल हॉल में मैं कल एक कार्यक्रम में उपस्थित था दिल्ली के अंदर, जहाँ पे संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेकों बैठकों के दौरान वहाँ पर की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लालकुआ के अंबेडकर पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलितों के उद्धार के लिए दलितों को भी समान रूप से अधिकार देना जरूरी है, सभी दलित समुदाय को संगठित होना चाहिए जिससे दलितों को समान रूप से अधिकार मिल सके। भीमराव अंबेडकर जी का जो आज परिनिर्वाण दिवस है उसके अवसर पर लालकुआं में अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें प्रतिभाग करने आया हूँ और हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है यहाँ पर कि वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। काला ढूंगी के थानाध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में नशे और ट्रैफिक को लेकर विशेष चर्चा की गई। रविवार को नवनियुक्त थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोरा ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर नगर की शांति के लिए उनकी राय जानी और सभी से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि वो जनता के सेवक के रूप में कार्य करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा अगर उनको क्षेत्र के सम्मानित लोगों का सहयोग मिला तो वो क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। दो तारीख को थाना इंचार्ज के पद पर यहाँ पदभार ग्रहण किया है और आज मैंने अपने क्षेत्रवासियों के साथ यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें हम लोग आपसी सामंजस्य से किस तरह से अपराधों पर नियंत्रण कर सकते हैं, यातायात व्यवस्था को कैसे ठीक रख सकते हैं और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा समाज में नशा जो फैल चुका है और उस नशे ऐसा नशे का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है और उसमें जनता का सहयोग जो मिलेगा उस सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है और मुझसे पूर्व के जितने भी यहाँ पर थाना इंचार्ज रहे हैं उनके द्वारा भी नशे के जो भी अपराधी इस तरह के लोग थे उनके विरुद्ध बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं भी उनके इस काम को आगे बढ़ाऊँ और अच्छा प्रयास करके हमारे समाज को नशा मुक्त करूँ। साथ ही यातायात व्यवस्था की स्थिति भी खराब रहती है, वाहन दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं। नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल का कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत की तरफ से औचक निरीक्षण किया गया। रावत ने वार्डों से लेकर सभी पटलों का बारीकी से निरीक्षण किया। आयुक्त कुमाऊं रावत अस्पताल के कार्यकलापों से संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश मिले हुए हैं, जहां जहां जनहित के कार्य किए जाते हैं उनका निरीक्षण किया जाए जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी ना हो। तो बीडी पांडे ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। नैनीताल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर
आयुक्त रावत ने, दीपक रावत जो कुमाऊं के आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि औचक निरीक्षण करने के मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने कहा है साफ निर्देश देते हुए कि सभी अस्पतालों के सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाए। ऐसे में आज आयुक्त ने अस्पताल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि आगे और भी प्रयास किए जाते रहेंगे जिससे व्यवस्थाओं को और ज़्यादा ठीक किया जा सके। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं मुझे कि और सभी ऑफिसर्स को जो मेरी टीम में है कि जो जहाँ पे भी बेसिक फैसिलिटीज पब्लिक को मिलती हैं, चाहे हेल्थ की हो अन्य फैसिलिटीज, उनको देखा जाए कि मौके पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसी क्रम में बीडी पांडे का आज मैंने एक इंस्पेक्शन किया और ऑन द होल मैंने जो फंक्शनिंग देखी अस्पताल की वो मुझे अच्छी लगी। और इनफैक्ट जेनरिक दवाइयाँ मैं देखने गया था, उनका स्टॉक पर्याप्त था, बाकी एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक पर्याप्त था, स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर हो रहा है, मैन पावर अवेलेबल है, साफ सफाई की कंडीशन भी अच्छी थी। इसमें केवल मेरा ये निर्देश यहाँ पे जो पीएमएस साहब है उनको केवल इतना है कि जो हमारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं वो रनिंग रहें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रूटीन में काम करते रहते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे गीज़र का थोड़ा सा इशू है, टॉयलेट्स अच्छी कंडीशन में हैं, इनको वो देखते रहेंगे तो हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं बनी रहेंगी। अगली खबर चमोली से है, जहां जिले के नारायण बगड़ ब्लॉक में स्थित प्रसिद्ध गिरजा भवानी राज राजेश्वरी सिद्धपीठ चौपता चौरी में त्रिशाला नवरात्र का विधि विधान और पारंपरिक पूजा अर्चन करने के बाद शुभारंभ हो गया। कड़ाकोट पट्टी के चौपता गांव में हर 3 सालों में होने वाले इस भव्य नवरात्र की तैयारियां इस क्षेत्र के 9 गांवों के ग्रामीणों ने शनिवार को ही पूरी कर ली थी। रविवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तारीख को मां गिरजा भवानी राज राजेश्वरी सिद्धपीठ में मंदिर के मुख्य पुजारियों, देवी देवताओं के पशुओं, हक हकूकधारियों, ग्रामीणों ने जल कलश यात्रा का स्वागत किया और देवी देवताओं से नवरात्र की सफलता के लिए कामना की है। ये परंपरा से आ रहा हमारे यहाँ पे चौपता मेले का आयोजन आज दूसरा दिन चल रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप भी आएं और माता का दर्शन करें और आप लोगों के दर्शनार्थ से ही और मंदिर आज यहाँ पे बना है। जैसा कि जिस प्रांगण में हम बैठे हैं ये माँ भगवती गिरिजा भवानी राज राजेश्वरी का सिद्ध पीठ है और इस कड़ाकोट की जो संभ्रांत यह जनता है इनकी आस्था का और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर माँ भगवती साक्षात स्वरूप में विराजमान होती है। यह मेला हमारे पूर्व आदिकाल से यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने प्रारंभ किया हुआ है और पौराणिक जो प्रथा है, वैदिक पौराणिक प्रथा जो यहाँ पे है वो लगातार चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पे जो है पूष मंगशीर पूष माह की जो नवरात्र है उस दौरान यहाँ पे जो है हर 3रे वर्ष में ये नवरात्र होती है। शेज निकाला जाएगा और शेज के ऊपर जो यहाँ इस मठ के जितने भी देवी देवता स्थापित हैं, 9 नाथ 84 साथ 9 भैरव की धुनी है वो यहाँ पर अवतरित होगी और उस टाइम से जो है ये कार्यक्रम हमारा चांदनी का शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 7 विद्वान पंडित शास्त्री लोग यहाँ पर जो है बांकी पूजा में लगे हैं और बजगीर जो है हमारे पास 4 जो कि जो है चांदी को गर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो है षष्ठी का पर्व कालरात्रि का पर्व होगा क्योंकि कालरात्रि पूजन में षष्ठी में जारी है। यहीं पर सिद्ध पीठ गुरु गोरखनाथ की धुनी भी है जहां पर 9 नाथ 64 सिद्ध यहां पर सिद्ध हुए थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार यहां से पंडित नारायण दत्त जी बद्रीनाथ की यात्रा में गए और उस समय सारे इलाके में हैजा हो गया था तो यहाँ की बबूत उन्होंने जिन जिन पर लगाई उनको कुछ नहीं हुआ, वो सुरक्षित रहे। चमोली के पिंडर घाटी के इलाकों में सुबह से ही मौसम बदला रहा, रिमझिम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की ठंडी फुहारें भी दिखी। सुबह से ही रूपकुंड, आली बेदनी, बुग्याल, लोहाजंग, सोलपट्टी के बूंगा में झमाझम बारिश और बर्फबारी जारी रही, जिससे पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल रहा। वहीं निचले इलाकों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई, पहाड़ी इलाकों में पारा 0 से नीचे गिर गया। ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में बर्फबारी होने से पर्यटकों में खुशी नजर आई है। तो झमाझम बर्फबारी और ऐसे में बारिश भी जो चमोली का माहौल है उसको बदले हुए है, ऐसे में पर्यटक जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।
पर्यटन स्थलों में ठंड बढ़ गई है, साथ ही साथ जो निचले जो ग्राउंडेड इलाके हैं वहां पर भी ठंड बढ़ती जा रही है और पहाड़ी इलाके जो हैं वहां पर पारा शून्य से नीचे जा गिरा है। तो ये मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है चमोली में, जहां पर झमाझम बारिश और बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है, जिससे पर्यटक खासा खुश नजर आ रहे हैं। जो पर्यटन स्थल है वहां पर भी ठंड बढ़ रही है, इसके साथ ही जो निचले स्तर है वहां पर भी ठंड बढ़ने लगी है और पहाड़ी क्षेत्रों में पारा शून्य से भी नीचे चला गया है, जिससे पर्यटन करने आए पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 69 विधानसभा क्षेत्र के नानक मत्ता के गांव में ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास न होने पर 2022 में चुनाव का बहिष्कार करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया है और विरोध प्रदर्शन किया और इसके साथ ही धरना भी दिया। ग्राम सभा ऊंची महुवट के अंतर्गत आने वाले गांव संतना में लगभग 60 सालों से रह रहे पर्वतीय मूल के सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने नानक मत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बताया कि विधायक प्रेम सिंह राणा 5 सालों से उनके बीच में नहीं पहुंचे हैं। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वो अपने क्षेत्र विधायक का चेहरा भी भूल चुके हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनके विधायक आखिर कौन है। तो नानक मत्ता से तस्वीरें हैं जहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि उन्हें तो यह भी पता नहीं कि आखिर उनके विधायक कौन हैं और उन्होंने साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया है कि विधायक प्रेम सिंह राणा 5 सालों से उनके बीच नहीं पहुंचे, ऐसे में वो अपने विधायक की शक्ल भी क्या है ये भी भूल चुके हैं। तो ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि उनके विधायक बीते 5 सालों से, जब से वो चुनाव जीते हैं तब से क्षेत्र में नहीं आए, जिसके चलते वो विधायक की शक्ल भी भूल चुके हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही कहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। 15 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को देहरादून जाकर एक पत्र दिया गया रोड निर्माण के बारे में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए PWD को एक सरकारी पत्र भेजा 5 किलोमीटर डामरीकरण के लिए इस्टीमेट बनाने हेतु। इसके लिए मैं PWD गया, मैं एक्शन साहब से मिला, उनका कहना है कि वन विभाग की अनापत्ति के बाद ही सड़क का निर्माण किया जा सकता है। मेरे को मेन तो ये हमारे जो माननीय विधायक हैं प्रेम सिंह राणा जी, उनके बारे में बोलना है। वो सन 2012 में यहाँ चुनाव जीते थे, उनको तकरीबन 9 साल से ऊपर हो गया है, मेरे को 25 साल हो गए, मैंने आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी है। वो विधायक तो हैं लेकिन यहाँ हमारे एरिया में आओ ना, आप अपने एरिया में देखते हो। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पूछा था कि रोड कहाँ कहाँ क्या विकास करना है, तो उनने क्या किया, हमारे एरिया का एक जगह का कुछ दिया ही नहीं, कोई लेखा जेखा उसमें नहीं। मैंने उसमें जो लेख उनने लिखा है मैंने उसको पढ़ा है, हमारा ये संतरा गाँव के बारे में कुछ बोला नहीं उनने। हमारे यहाँ रोड नहीं है, इतनी परेशानी है, इतने साल हो गए, क्या कहते हैं, चल नहीं पाते हैं, अस्पतालों की जब पानी भर जाता है तो अस्पताल जा नहीं सकते हैं। सर ये करीब 40 सालों से हम तो यहाँ पे, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, और उससे पहले यहाँ जनता मतलब गांव यहाँ बसा हुआ है, 40 साल मुझे हो चुके हैं, उससे पहले यहाँ गाँव बसा हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से मात्र, ये संतना गांव है और यहाँ से नगरा तराई मात्र 5 या 6 किलोमीटर होगा, और हमें यहाँ बरसात में इतनी समस्या होती है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी बड़ा घबराते हैं। नैनीताल के पंत पार्क के पास अवैध फड़ लगा रहे व्यवसायी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब SDM नगर पालिका और पुलिस टीम मौके पर जा पहुंची। आपको बता दें कि नैनीताल में नगर पालिका की तरफ से 121 व्यवसायियों को फड़ लगाने की अनुमति दी गई है, उसके बाद भी जमकर अवैध रूप से कई व्यवसायियों की तरफ से फड़ लगाए जा रहे थे। बार बार चेतावनी देने के बाद भी फड़ व्यवसायियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब प्रशासन ने दो टूक कह दिया है कि जिन लोगों को पालिका की तरफ से फंड लगाने के लिए कहा है वो ही फंड लगाए, इसके अलावा अगर किसी अन्य ने फंड लगाया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो नैनीताल में अवैध रूप से फंड लगाए जा रहे थे, जिसकी शिकायत बार बार प्रशासन को मिल रही थी। अब प्रशासन इस पे हल्का नजर आ रहा है, प्रशासन हरकत में आया है, प्रशासन ने सीधे तौर पर कहा है, दो टूक कहा है कि जो भी बिना लाइसेंस के बिना अनुमति के फंड लगाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध रूप से फंड लगा रहे व्यवसायियों पर ये
बड़ा प्रहार किया गया है प्रशासन की तरफ से, और सीधे तौर पर कहा गया है कि जिनको अनुमति होगी सिर्फ वही फड़ लगा सकते हैं, बाकी अगर कोई अवैध रूप से फड़ लगाता है तो उस पर कानूनी डंडा चलेगा। बीते दिनों ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुई लूट का खुलासा रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसएसपी हरिद्वार ने किया है। लूट की घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 7 दिसंबर को आयुर्वेद भवन दयानंद नगरी ज्वालापुर में दो व्यक्तियों की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज से घटना में दो संदिग्ध व्यक्तियों की तरफ से घटना को अंजाम देना प्रकाश में आया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर की सूचना पर दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चूंकि एक सेंसेशनल घटना थी तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारे सीआईयू है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था, और दो दिन की लगातार कॉन्स्टेंट मेहनत के बाद इसमें दो व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। इनके नाम शहजाद और राशिद हैं, ये दोनों थाना लक्सर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने इस घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और घटना में जो सोने का हार टॉप्स थे 2,93,000 रुपये से बरामद किए गए। ये पहले से भी डॉक्टर साहब को जानते थे और इनके बारे में उनको पता था कि वृद्ध रहेंगे और उनको लगता था कि आसानी से यहाँ से उनको पैसा मिल सकता। तो इस प्रकार इस घटना का दो दिन के अंदर ही पूरी तरह से खुलासा और 100% वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही मौसम बदला है। सुबह से ही बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और हिम क्रीड़ा स्थल औली में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों में खुशी का माहौल है। वहीं निचले इलाकों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों में पारा शून्य से नीचे गिर गया है। हिम क्रीड़ा स्थल औली में बर्फबारी और बारिश होने से जहां पर्यटकों में खुशी है, वहीं स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल है। औली में लगभग 1/2 इंच बर्फ जम गई है। लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वहीं जोशीमठ में भी सुबह से बारिश होने से लोग अपने घरों में मौजूद हैं। तो मौसम का बदला मिला मिजाज, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तरकाशी, चमोली, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, चारों तरफ मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ झमाझम बारिश हो रही है, जिससे पर्यटक दरअसल खुश नजर आ रहे हैं। और निचले स्तरों, निचले जो इलाके हैं वहां पर ठंड ने करवट ले ली है और ठंड जो है वो बढ़ गई है। लगातार बारिश हो रही है। दो दिन पहले मौसम खराब हुआ था, कल धूप खिली थी, परंतु आज अचानक ही मौसम खराब होने के कारण लगातार बारिश हो रही है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे ग्राहक आते हैं, जो लोग आते हैं शहरों में, जो आते हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। देखिए, इससे पहले जब जो है मौसम विभाग ने अलर्ट किया था, दो दिन की बारिश को यहाँ पर बताया था और ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी की बात कही थी। अभी देखने में यह है कि अब जनपद में जो है और पूरे प्रदेश में बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, और ऐसे में हम लोग जो है नगर पालिका से अनुरोध करते हैं कि जगह जगह पर जो है वो अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए यहाँ पर करें ताकि उन्हें जो है इस ठंड से बचने में वो कारगर साबित हो। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की बात करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में थोड़ा बहुत जो है जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको अपनी खेती वगैरह के लिए और घास वगैरह के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और गाँव में जो है बारिश होने की वजह से गायों के लिए चारा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल समय पर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।